देखिए, संविधान दिवस को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारी बातें हमने कही हैं। कलेक्टिवली मनाया जाएगा कहीं भी किसी भी जगह के इसके हर कोने में, इसमें कोई राय दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक मिनट आपका लूँगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ था और है और रहेगा, लेकिन इस राष्ट्रीय ग्रंथ को राष्ट्रवादी लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया। राष्ट्रवादी की मोहर उनके ऊपर लगती है जो घोर अराष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी वो होता है जो राष्ट्र के धर्म को माने, और राष्ट्र का धर्म राष्ट्रीय ग्रंथ से पैदा होता है, माना जाना चाहिए। आज से करीब 68 साल पहले से 26 जनवरी को प्रजातंत्र दिवस मनाया जाता रहा, प्रजातंत्र गणतंत्र दिवस जो बोलते हैं, ये संविधान की देन थी। इसके पहले कोई गणतंत्र और प्रजातंत्र की बात नहीं जानता था, लेकिन 26 जनवरी को उन्होंने उस दिन को सिर्फ दिखावे के रूप में अपनाया। होना ये चाहिए था कि भारतीय संविधान ने जो चीज़ अंगीकार की, जो प्रीएम्बल में है, उस चीज़ को उन्होंने दरकिनार कर दिया और कोशिश करी। उन्होंने ये देखा कि लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, तो ये बाबा साहब का नाम इस देश में नहीं आना चाहिए 26 जनवरी के दिन, आना चाहिए 26 जनवरी के दिन से, जो नहीं आया 68 साल से। लेकिन उन्होंने इसको दरकिनार किया इस देश की सरकार ने। हमको बड़ा अच्छा लगता है देखने में सुनने में कि इस देश की सरकार ने संविधान दिवस मनाने को हमें दे दिया। नतीजा आपके सामने है कि एक साल मनाने के बाद आपके ऊपर छोड़ दिया और उसे जाने दिया कि जब जाए चाहे चले जाए, संविधान हमें कोई मतलब नहीं है। और हो भी ये रहा है कि संविधान की धज्जियाँ रात और दिन उड़ाई जा रही हैं, ये मैं आपको बता दूँ। धन्यवाद, अब आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी आपको शुभकामनाएँ।